नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। तीन जनवरी 1991 को झारखंड के धनबाद स्थित हीरापुर बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए तत्कालीन एसपी रणधीर वर्मा शहीद हो गए थे। उनके इस अतुल्य वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जबकि आतंकी वारदात में शहीद हुए एक आईएसएम कर्मी श्यामल चक्रवर्ती के सम्मान में आईएसएम गेट के समीप उनकी एक प्रतिमा बनाई गई। आज रणधीर प्रसाद वर्मा के 29वें शहादत दिवस पे भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शहीद एसपी की पत्नी रीता वर्मा भी वहां शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। प्रसाद वर्मा की शहादत दिवस के मौके पर धनबाद वासियों को और खासकर पूरे झारखंड के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि देश बलिदानियों से ही चलता है और जहाँ बलिदान की परंपरा जीवित रहती है वही देश जीवित रहता है। और धनबाद के लोगों से और देश के लोगों से भी कहना चाहती हूँ, ये परम्परा और शहादत भूले नहीं, इसका सम्मान और जारी रहनी चाहिए। सीख मिलती है उनके शहादत से। उनके शहादत दिवस के अवसर पर हम याद करते हैं तो सर की शहादत है वो ना केवल पुलिसकर्मियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि पूरे समाज के लिए। जो एक बलिदान की परंपरा है, जो सर्वोच्च बलिदान सर ने किया, ये सब हम सब के लिए सीख है। छोटे छोटे स्तर पर भी जब बलिदान करने की बात आती है तो कई बार समाज में निश्चित का अभाव होता है और पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस व्यवस्था या पूरा सिस्टम एक ऑर्डर को बनाने में, व्यवस्था को बनाने में लगा होता है। अगर हम सब नागरिक गण भी अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझें तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना पाए। तो शहादत दिवस के अवसर पर सभी को यह प्रण लेना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर उन स्तर पर हम अपने दायित्व को समझें तो